हाय दोस्तों, आज हम फिर से एक मोमबत्ती की डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं। तो ये हम वाइट ऑयल पेंट ले रहे हैं, एनामेल पेंट वाइट। तो इसकी पहले भी एक अपनी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, तो आज फिर से मैं एक यही पेंटिंग की वापस पूरी वीडियो लेके आया हूँ। और ये हमने इसमें तारपिन मिक्स कर लिया थोड़ा बहुत, और इसको अच्छी तरह से आपको मिक्स करना है। और हमने पहले वैसे ऑलरेडी इस छत के ऊपर जहाँ हम अभी लगाने वाले हैं उस पर ऑलरेडी एक कोट हमने पहले ऑयल पेंट का लगाया था, उससे 2 दिन हो गए सूखे हुए। तो ये सूखने के बाद हम इस पर डबल कोट लगा रहे हैं वाइट ऑयल पेंट का। तो ये पूरा वाइट ऑयल पेंट लगाने के बाद में हम इसमें ओनली फॉर गीले गीले पेंट के अंदर मोमबत्ती का जो पैटर्न देंगे, और वो पेंट पूरा सूखना नहीं चाहिए। जो अपन डिज़ाइन डाल रहे उससे पहले पहले गीला होना चाहिए ऑयल पेंट। तो आपको पूरे गीले गीले ऑयल पेंट के अंदर ही पूरी पेंटिंग का काम करना है। ऐसा ना हो कि आप उसको सुखा दो और उसके बाद में अगर आप मोमबत्ती से पैटर्न बनाओ, पैटर्न तो बनेगा लेकिन वो झाड़ू से या कुछ भी पानी वगैरह लगाने से वो निकल सकता है। और ये जो आप गीले पेंट में अगर आप काम कर रहे हो तो इसकी भले आप धुलाई करके देख लेना, कुछ भी नहीं होगा। तो हमने इस पूरी छत में एक कोट पहले वैसे इसमें ऑयल पेंट लगा रखा है हमने, और ये अब दूसरा कोट हम चालू कर दिया है। तो ये कोट लगाने के बाद में हमने 3 मोमबत्ती ली है और उसको एक साथ आपको बांधनी है तीनों मोमबत्ती को, ताकि एक मोमबत्ती से क्या होता है कि कम धुआं निकलेगा तो उससे इतनी डिज़ाइन बैठेगी नहीं। तो आप 3 मोमबत्ती ले लीजिए और 3 मोमबत्ती को एक साथ बांध के और उसके बाद में आपको डिज़ाइन डालनी है। और डिज़ाइन डालने के लमसम 15 या 14 घंटे बाद भी आप इसे धुलाई करके देख सकते हो, क्योंकि ये बिल्कुल जब तक क्लियर सूख जाता है। तो ये हमने मोमबत्ती से पैटर्न बनाना शुरू कर दिया है। तो और इसको एक बात और लगातार ध्यान रखें कि आप इसको बिल्कुल नॉर्मल हल्के हाथ से चलावे, और प्लस ऐसे बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी ऐसे चलावे। ऐसा ना हो कि आप एक साइज से चलाते हुए लाइनिंग बना दो तो फिर वो अच्छी नहीं लगेगी। तो आपको बिल्कुल ऐसे टेढ़े मेढ़े चलाना है। और ये हमारे पास मोमबत्ती से जो हम इसमें डिज़ाइन डाल रहे हैं बिल्कुल एक समूथ चलाएंगे हम इसमें मोमबत्ती, बिल्कुल भी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी नहीं करने वाले हैं। और पहले भी हमारी इसी मोमबत्ती का जो एक वीडियो है वो लमसम हमारे फेसबुक आईडी पे 28-29 मिलियन हो चुका है। तो शुक्रिया उसके लिए आप सभी फेसबुक फैमिली का, क्योंकि वो वीडियो हमारा 29 मिलियन हो चुका है। और कई भाइयों का कमेंट आता है, क्योंकि हर चीज़ किसी को पसंद तो आती नहीं है भाई। एक जैसे एक बंदे को पसंद नहीं आ रही है, 10 बंदे को अगर वो चीज़ पसंद आ रही है तो वो बेस्ट है। क्योंकि देखो, सबकी सोच एक जैसी नहीं होती है। जिनको पसंद आ रहा है वो यूज़ कीजिए, और जिनको नहीं पसंद आ रहा है तो वो मत यूज़ कीजिए, क्योंकि सब एक जैसा नहीं सोच सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। जिस भाई को अगर ये पैटर्न पसंद है, और बहुत सारे भाई है जो इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये वैसे ऑलरेडी बहुत पुरानी डिज़ाइन है ये, लेकिन अब मैं इसको वापस मेरी आईडी पे दिखा रहा हूँ। बाकी ये पहले कोई टाइम में चलती थी, लेकिन अब वापस मैं इसको लेकर आया हूँ। और बहुत सारे भाई है पेंटर भाई जो इस चीज़ को यूज़ भी कर रहे हैं, प्लस ये वीडियो देखने के बाद में बहुत सारे भाई है जो पहले मैं इस पर ऑलरेडी आईडी पे इसकी बहुत सारी वीडियो चढ़ा चुका हूँ, और वो भाई लोग इसको यूज़ भी कर रहे हैं और प्लस उनको पसंद भी आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि ये भाई, अब देखो सबको पसंद आवे नहीं आवे वो हमारी रिक्स नहीं है। जिनको पसंद आ रही है वो यूज़ करे, जिनको नहीं आ रही है वो रहने देवे। क्योंकि बाकी बनने के बाद में बहुत ही प्यारी लगती है डिज़ाइन, और क्योंकि मोबाइल में इतनी जितनी क्लियरिटी नहीं होती उतनी आप एक बार छोटे से पीस पर बना के देखिए, उसके बाद में आप इसको आगे काम में लेना अगर आपको पसंद आवे तो, और नहीं आवे तो छोड़ देना। तो कैसी लगी आपको हमारी ये डिज़ाइन एक बार कमेंट करके ज़रूर बतावें, और हमारी वीडियो को शेयर कर देवे ताकि और भी पेंटर भाई हमसे जुड़ सके, और जो भी पेंटर भाई है वो हमें फॉलो कर ले, ताकि इसी तरह की डिज़ाइन, वॉल पेंटिंग, 3D पेंटिंग सारी चीज़ें मैं इसी पेज के ऊपर डालता रहता हूँ। तो आप ऐसी चीज़ें देखने के लिए हमारी आईडी पे फॉलो कर लेवे, और यूट्यूब पे तो सब्सक्राइब कर लेवे। तो कैसा लगा ये आपको हमारा पैटर्न एक बार कमेंट करके बता देवें। और ये हमारी डिज़ाइन करीबन कंप्लीट हो चुकी है, केवल ये छोटा सा पीस है तो वो भी अभी कंप्लीट कर रहे हैं हम इसका। और इसको आप जब भी बनाओ उस टाइम इसमें जॉइंट नहीं होना चाहिए, या तो एक बंदा आगे आगे ऑयल पेंट लगाता रहे और दूसरा बंदा ये काम करता रहे,
केवल आपको ऑयल पेंट लगाने के जस्ट 5 मिनट बाद में ये डिज़ाइन बनानी है, क्योंकि आप 5 मिनट बाद में चालू कीजिए, क्योंकि हैंड टू हैंड बनाने से क्या होता है कि डिज़ाइन फटने लगती है, जैसे जैसे ऑयल पेंट फैलेगा वैसे वैसे डिज़ाइन भी फैल जाएगी। तो आप 5 मिनट रुकने के बाद में आपको ये डिज़ाइन चालू करनी है, और ये कंप्लीट है अभी जो हाल फिलहाल इसमें दिख रही है वो बिल्कुल क्लियर है और कंप्लीट है ये। तो मोबाइल में जितनी क्लियरिटी हो सकती थी हमने उतनी दिखाई है, और आगे आप खुद बना के देखिए अगर आपको पसंद आवे तो। तो कैसा लगा हमारा काम?